नमस्कार, मेरे शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से दर्शकों आप जानते हैं, जम्मू में आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर क्या वजूहत है, भली भांति जनता भी जानते और हम भी समझते हैं, पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे कि सियासी गलियारों में भी हलचल शुरू हो चुकी है। अब देखना यह कि आने वाले इलेक्शन में जनता के जिस तरह से मुद्दे और जनता सड़कों पर, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है आने वाले इलेक्शन में, उस पार्टी में जो इस समय केंद्र में जिसकी सरकार है। काफ़ी सारे इशू है, अगर बात करें सरोवर टोल प्लाजा का, बात करें स्मार्ट मीटर्स की, बात करें यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। आज हमारे युवाओं का भविष्य ताक पर है। जम्मू के बच्चे होकर, जम्मू के स्टूडेंट्स होकर, उन्हें जम्मू के कॉलेजेस में भी एडमिशन नहीं मिल रही, धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो कौन है जिम्मेदार? इस समय हमारे साथ एडवोकेट सुहेल काजमी जी, एक एमिनेंट जर्नलिस्ट भी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। काफ़ी बेबाकी से बातों को रखते हैं, बड़ी क्लियरिटी के साथ रखते हैं। इनसे जानेंगे क्या लगता है इन चीज़ों वाले समय में, जो भी समय रूलिंग पार्टी के धारा 370 के बाद खुशहाली होगी, यहाँ पर दूध की नदियाँ बहेंगी, रोजगार ही रोजगार होगा। तो आप जो आए दिन प्रदर्शन भी देखते रहते हैं, कुछ हुआ है जो प्रदर्शन फिर क्यों हो रहे हैं? अगर वो दावे किए थे, दावे के सच्चे होते, तो आज जनता सड़कों पर क्यों? देखिए, ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही देंगे, क्योंकि मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ नहीं। लेकिन हाँ, प्रदर्शन होते हैं, और प्रदर्शन होना जमहूरियत में बहुत अच्छी चीज़ है। वो असेंस है डेमोक्रेसी की, कि आप अपनी बातों को लेके एजिटेट हों, डेमोस्ट्रेट करें, और यही असेंस हिंदुस्तान की है कि कोई भी वर्ग जब एजिटेट होता है, जब उसकी बात नहीं सुनी जाती, तो वो डेमोस्ट्रेट करता है। तो इसके लिए हल करना, उन चीज़ों की से उन लोगों से बात करना, उन चीज़ों का समाधान करना, या उन चीज़ों का अगर हल नहीं होता है तो उनको पैसिफाई करना कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, ये उस पॉलिटिकल पार्टी का बिल्कुल जिम्मेवारी होती है जो रूलिंग एलीट में होती है। अगर इस वक्त यहाँ पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं है, सपोज एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन के वो लोग जो गवर्नेंस में हैं, उनको उस मुतलका डिपार्टमेंट के से बात करके, उस मुतलका डिपार्टमेंट के लोगों से बात करके उनको पैसिफाई करना चाहिए, जो भी डेमोस्ट्रेशंस कर रहे हैं आज सड़कों पे। जी सुहेल जी, गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल है। पर जब भी हम भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल करते हैं, उनके नेताओं से, वो एकदम से किनाराकशी करते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार है ही नहीं है। पर एलजी साहब, एलजी के ऊपर कौन है, ये बड़े सवाल रहते हैं हमारे। इस चीज़ को क्यों फिर वो नकारते हैं? एलजी किसके अधीन आते हैं, ये सवाल? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, और लोगों का इस पर बहुत बार एम्फसाइज भी किया है कि गवर्नर आपका है। देखिए, जब गवर्नर बन जाते हैं किसी भी रियासत के, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं रहते हैं, वो हमेशा गवर्नेंस के अंडर आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको नॉमिनेट करती है, और जहाँ भी वो उनकी जिम्मेवारी उनको दी जाती है, वो गवर्नमेंट के हितों की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करते हैं। ये कहना कि ऑनरेबल गवर्नर जो हैं वो बीजेपी के टेंडर ड्रम्स पर चलते रहेंगे, वो नामुमकिन सी बात है, और वो आपको दिख भी रहा है, जनता कह भी रही है, क्योंकि पहले ऐसे एलजी होंगे जिनका इतना लंबा कार्यकाल रहा है, और साथ ही साथ जनता कह रही है गो बैक गो बैक गो बैक। आज तक शायद पहले ऐसे कभी नारेबाजी आपने सुनी? इतना बड़ा लंबा कार्यकाल नहीं हुआ इनका, लेकिन ये है कि हमने वोरा साहब के साथ बड़ा क्लोजली काम किया। वो 10 साल यहाँ गवर्नर रहे, और व्हेन ही वाज 92 एज के थे जब वो यहाँ से गए। तो ये जो गवर्नर साहब हैं, ये नहीं कि इनके टाइम पे काम नहीं हुए, बड़े रिमार्केबल काम हुए हैं, बड़ी रिमार्केबल अचीवमेंट्स हुई हैं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के तहत। लेकिन जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्टिकल 370 को कोई डिस्कस नहीं करता, ना एनसी, ना पीडीपी, ना कांग्रेस, ना ठीक है, बड़ी मेहरबानी कि आपने हटा दिया, वो एक स्पीड ब्रेकर था टूवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं तो 90s से बोल रहा हूँ, 89 में मैंने आर्टिकल्स लिखे कि आर्टिकल हटना चाहिए और हमें सामान्य यूनियन टेरिटरीज की तरह, सामान्य स्टेट्स की तरह चलना चाहिए, और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के तहत जम्मू कश्मीर को बिल्डअप होना चाहिए। लेकिन चलिए, उस पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा, आर्टिकल 370 तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो भी फैसला आएगा उसकी, उसका सबको हम सलाम करेंगे, उसको पूरा भारत सलाम करेगा। लेकिन आर्टिकल 370 ही जम्मू कश्मीर में नहीं है, यहाँ 1,30,00,000 लोग रहते हैं। 1,30,00,000 लोगों की क्या एस्पायरेशंस है? स्नोबाउंड एरियाज में रहते हैं, कुछ ऐसे कटे कटे इलाकों में रहते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट की क्या प्रॉब्लम्स है, उनके जो अपने मसाइल हैं उनको लेके एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? 2019 में एक गवर्नर, 2 एडवाइज़र लगा दिए, आज एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज़ और दरवाजे सब बंद है जम्मू कश्मीर में। मैं हमेशा जितने भी दिग्गज नेता हैं दिल्ली में और मरकज़ में, मैं उनसे कहता हूँ कि ये कौन सी मुसीबत है जो गुप्ता शर्मे को नहीं जानता, शर्मा सिंह को नहीं जानता, सिंह काजमी को नहीं जानता? तो ये लोग अपने लोगों से, अपने लोगों को काट दिया, और एक ऐसा नया
आयाम शुरू कर दिए जम्मू कश्मीर में कि किसी से विचार भी विमर्श नहीं होता, जो पॉलिसीज़ रेवेन्यू जनरेशन के तहत आपको चाहिए वो जम्मू कश्मीर में आप इंट्रोड्यूस करते हैं और लोगों के हितों की बात करनी छोड़ती है। बदलता जम्मू कश्मीर, पर ये बदलता कैसा जम्मू कश्मीर है, जो जनता चाहती है वो मिलता नहीं और जो जनता नहीं चाहती है उसे रातों रात अब जनता को थोप देते हैं। गलत है, अनफॉर्चुनेट है, और ये सब चीज़ें तभी होनी चाहिए जब यहाँ चुनी चुनाई सरकारें हों, जिसकी भी हों। मैं तो दुआ करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाली इलेक्शंस में 70 सीटें इकट्ठी ले और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में यहाँ सरकार बनाए और फिर जो एक्सपेरिमेंट्स उनको करने हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के। ये आप कह रहे हैं ना, मैं तो दुआ करता हूँ ताकि आप हमेशा, यानी अभी भी आपको डाउट है, दुआ इसलिए होती है कि जब हमें पता चले कि डगमगा रही किसकी, डाउट हमेशा वही मांगी जाती है डगमगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस भी नेशनल डिबेट्स में बैठता हूँ वही यही सुनता हूँ कि मुफ्तीज और अब्दुल्लास के बारे में बात सुनता हूँ। तो मैं कल ही एक नेशनल डिबेट में बोल रहा था कि चंद्रयान 3 से तो मुफ्तीज और अब्दुल्लास ने यहाँ गवर्नेंस नहीं की है, अल्टीमेटली लोगों ने चुन के अपने नुमाइंदों को असेंबलीज में भेजा और यहाँ की सक्सेसिव सरकारों ने बहुत काम किया जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड करने में। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ जो है वो वक्तन फवक्तन बढ़ता और घटता रहता है। हर पोलिटिकल पार्टी जो रीजनल पार्टी है उसने शहादतें दी है, यहाँ तक कि हमारे सर्विंग होम मिनिस्टर मुश्ताक साहब उस वक्त असैसिनेट हो गए, हमारे जर्नलिस्ट भाई कश्मीर में असैसिनेट हो गए। उनके वेलफेयर की बात करने की ज़रूरत है। आप ये बोलेंगे कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर का निर्माण करेगी या एक ही बच्चा पूरी अपने फैमिली के क्लैन को ठीक करता है, वो नामुमकिन सी बातें हैं। हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस दुविधा से बाहर निकलना है, जम्मू कश्मीर को प्रॉस्पेरस बनाना है और उन चीज़ों को मानना है जो 70 सालों में अच्छी हुई हैं और बेहतर चीज़ें कैसे हो सकती हैं उसके लिए बेहतर लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, अच्छे लोगों को बगैर मजबूत मिल्लत आपको यहाँ गवर्नेंस में लाना है, जहाँ आम एक्सेस जो है परिवारवाद से हटकर धर्म राजनीति से, हर इंसान परिवारवाद करता है पूरे हिंदुस्तान में। भाजपा तो कहती है अब्दुल्ला ने क्या, मोदी जी का बेटा, अगर आज मोदी जी का बेटा या बेटी होते तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कैडर में शामिल होते। ये सिर्फ तनकीद बराए जिनके आज उनके तो आप अपोजिशन, आप अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करते हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं, दैट इज नॉट गुड। अपोजिशन है कहां, हिस्ट्री 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 कभी ना छुपाई जा सकती। अपोजिशन है कहां, अपोजिशन बिल्कुल काम कर रही है अपना। आप देखिए अपोजिशन किस मजबूती के साथ, मुझे लगता है कि अपोजिशन को काम करने की इसको जरूरत नहीं है क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नया पंगा आप ले आते हो, तो अपोजिशन का काम जनता कर रही है, ये तो बिल्कुल संगठन कर रहे हैं, संभाविक है। देखिए जब आप खुद ही ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं जिनसे बवाल क्रिएट होता है तो अपोजिशन को ये सब ईडी से सीबी से सब डरते हैं ना, सीबीआई से ईडी से एजेंसी से, आपकी जनता आज तो हम जनता भी डरती है, बिल्कुल डरती है, क्यों नहीं डरेंगे। देखिए जो सरकारों में रहे और जिन्होंने बहुत बहुत मोटे घपले किए हैं वो तो डरते हैं और कहीं से कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से हट के जिन्होंने बहुत से ऐसे फायदे लिए हैं जो रडार पे हैं तो वो तो डरेंगे संभाविक तौर पे, लेकिन ये कि सच्चे सुथरे ट्रांसपेरेंट लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में हैं, जम्मू कश्मीर के वेलफेयर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के निर्माण की बात करते हैं, उनको भी सीरियसली सुनना चाहिए और जो भी चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है वो लोगों के डोमेन में डाल के, जैसे आप डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट बोल रही हैं तो सारी दुनिया खुश है कि डिलिमिटाइज होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप होनी चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ डेवलपमेंट की धूप तक नहीं पहुँची वो लोग भी वो भी डेवलप हो और पूरा जम्मू कश्मीर एक अच्छे ढंग से एक नई राह पर चल पाए। सर एक बड़ा ही मुद्दा था जिसे पेचीदा बनाया गया, हम सर रोड टोल प्लाजा की बात करते हैं। एक तरफ नितिन गडकरी जी कहते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर, वो हमारे पास वीडियोज भी है कि अगर 60 किलोमीटर के अंदर एक से ज्यादा टोल होंगे तो सुनिए एक यानी कि अवैध है, हम जल्दी से उसे उखाड़ देंगे, ये उन्हें सांसद में खड़े होकर कहा है, बटल से कहा उन्होंने साफ तौर पर, हमारे पास वीडियो भी है। पर वो लगातार आज उस वीडियो को भी लगभग 1.5 साल होने को आया, रविंद्र राणा जी भी कहते थे आऊँ जाना तो उखाड़ी देना, कल भी उन्होंने कहा तैयारी करो मैं उखाड़ी देना है। पर सवाल बड़ा ये उस मुद्दा, वो मुद्दा कितना हाईलाइट हुआ, उसी के चलते युवा राजपूत सभा के लोग डिटेन भी हुए, उन्हें जेल के अंदर भरा गया, उसके बाद काफ़ी सारे उतार चढ़ाव, और उसके बाद एक और विवादित जो बयान आया कविंदर गुप्ता जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो युवा राजपूत सभा है एक हफ्ते का ड्रामा किया किसी के कहने पर, पैसा दो और कुछ भी करवाओ, काफ़ी विवादित मुद्दा बना। मुद्दा यहाँ तक पहुँचा कैसे,
देखिए, मैं तो सलाम करता हूँ युवा राजपूत के उन सब लोगों को जो इस संस्था को चलाते हैं, और सरोवर टोल प्लाजा सिर्फ युवा राजपूत सभा की एजिटेशन नहीं है कि कोई भी नाजायज़ चीज़ जब इंट्रोड्यूस होती है जम्मू कश्मीर में उसके लिए युवा राजपूत संघर्ष करती है। और जो कविंदर जी का बयान है उन्होंने खुद ही उस पर रिएक्ट कर दिया, मुझे उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन युवा राजपूत सभा जो है वो उनकी जो एजिटेशन है वो बिल्कुल जायज़ है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए है, और कोई भी इंसान जो सरोवर टोल प्लाजा से अंदर आता है उसके लिए वो एजिटेशन है। और मुझे लगता है गवर्नमेंट को इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, जो भी फुल प्रूफ तरीके से जो बातचीत होती है वो करनी चाहिए ताकि लोग एजिटेट ना हो और खुशी खुशी इसका समाधान हो जाए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सोहेल काजमी जी, इन्होंने बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। और कहीं ना कहीं आप जानते ही हैं, ये वो इंसान है, वो शख्स है जो छोटे से छोटे व्यक्ति को हमेशा अपलिफ्ट करते हैं, उन्हें एम्पावर करते हैं, आगे ले जाने में पूरा अपना योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के मुद्दों को हल किया जाए, उनकी परेशानियाँ क्या उन्हें समझा जाए, क्योंकि बार बार आप भी जानते हैं गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। कहीं ये ना हो आने वाले समय में, जो समय केंद्र में पार्टी है जो प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में पहुंची थी, जनता के इन मुद्दों को अगर हल नहीं किया गया तो उन्हें नुकसान हो सकता है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।